ये आपके लिए कव्वाली ताल है जिसको आप रिकॉर्ड करेंगे और इसको पॉज देकर लिख लेंगे, आगे हम बताते हैं। चलिए, आपको तकलीफ थी बजाने में, प्रॉब्लम हो रही थी, मैं समझ गया था। तो आप देखेंगे कि कव्वाली ताल वास्तव में कोई बजाता नहीं है, उसके लिए गाने में भी यूज नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है पिछली ताल में कि धा धिन धा धिन तिन तिन धा धा, तो इसका बोल होता है धा धिन धा धिन तिन तिन धा धा धा, सम आ जाएगा। तो इसको जब कहरवा बजाते रहेंगे तो उसी में इस कव्वाली गीत जब गाई जाती है तो इसका प्रयोग होता है धा धिन धा धिन तिन धा धा धा, तो धा धिन धा धिन तिन तिन धा धा, ऐसे होता है। तो धा धिन धा धिन, तो इस तरह से होता है, तो इसको कोई प्रयोग नहीं करता है, लेकिन हम आपको बता दिए हैं। रही बात कव्वाली बजाने की, तो कव्वाली में मैंने बताया था कि तीन या चार अंगुली से जब चाटी मारते हैं ऐसे, तो यही चाटी कव्वाली का रूप बना लेती है। तो जैसे आपको पहले बताए हैं कि धीति धाति नागे धिन, पहले वाले बोलों में आपने देखा होगा कि धीति धाति नागे धिन, तो धीति धाति नागे धिन, तो धीति धाति नागे धिन, ऐसे बताए हैं हमने। तो आप क्या करेंगे जब इसको खूब बढ़िया तैयार कर लेंगे, तो धी की जगह चाटी मार रहे हैं, तो धी की जगह ये चाटी ऐसे मारेंगे, अब इस चाटी को डबल कर देंगे तो प्योर कव्वाली बन जाए। तो धीति धाति नागे धिन, ताली और खाली दोनों जगह, धीति धाति फिर नागे धिन, तो ना खाली हो गया, तो धी यहां भी चाटी और नागे धिन पांचवी मात्रा, पहली और पांचवी मात्रा पर चाटी मारेंगे, तो धीति धाति नागे धिन, धीति धाति नागे, इस तरह से इसको बजाते जाएंगे। तो जैसे ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें ही तेरा इसमें। तो इस तरह से चांटी का प्रयोग करेंगे, कव्वाली बजने लगेगा। थैंक यू।